हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि व्हाट्सएप में आपने देखा होगा बहुत बारी कि व्हाट्सएप में बहुत लोगों को आप मैसेज करते हैं ना, तो उनके आप देखते हैं कि आपके इसमें डबल टिक तो हो गया आपके मोबाइल में, बट उनके मोबाइल में बट वो ब्लू टिक नहीं होता है ना। तो समझ नहीं आता है, कन्फ्यूज़न रहता है बंदे को कि जो है वो ये करते कैसे हैं। मतलब किसी को आपने मैसेज भेजा, वो मैसेज आपका पढ़ भी लिया, बट यू विल नॉट बी एबल टू नो कि भाई वो उसने पढ़ा है, मतलब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। क्योंकि उसमें ब्लू टिक जो पढ़ने वाला जो ना रीड वाला जो ब्लू टिक होता है वो नहीं रहता है। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है? देखिए, उसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये एंड्रॉयड फ़ोन है मेरा, मोटरोला का। तो यहाँ पे आप जैसे गए व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में जाने के बाद ये नॉर्मल जैसे ये चैट्स वाला पेज खुल जाता है। आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जब जाते हैं वहाँ पे जाएंगे अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है लास्ट सीन एवरीवन। आप चाहते हैं जैसे देखेंगे बहुत बारी बहुत लोगों का होता है ना कि लास्ट सीन शो नहीं करता है, ठीक है ना, कि वो बंदा लास्ट टाइम कब ऑनलाइन आया था तो वो शो नहीं करता है। तो वो अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ पे लास्ट सीन में जाके एवरीवन, यानी अभी मेरा लास्ट सीन मोबाइल का कोई भी देख सकता है। अगर दूसरा है माई कॉन्टैक्ट्स, मेरे कॉन्टैक्ट्स में जितने नंबर हैं वो देख पाएँ, या फिर तीसरा है नोबडी। अगर आप नोबडी में कर देंगे तो आपका लास्ट सीन कोई भी नहीं देख पाएगा कि आप लास्ट ऑनलाइन कब आए थे। सिर्फ उसी टाइम पे आपको देख पाएंगे लोग जब आप ऑनलाइन रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लास्ट कब ऑनलाइन आए थे, ठीक है? तो एक ये लास्ट सीन का हो गया। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि मैसेज किसी को भेजते हैं तो ब्लू टिक नहीं होता है, डबल टिक होता है। तो इससे क्या होता है कि जब डबल टिक होता है तो बंदा कंफर्म नहीं होता है कि मेरा मैसेज किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर वो आपको करना है तो आप रीड रिसिप्ट को यहाँ पे देखिए टिक है, यहाँ पे इसको आप टिक हटा दिए। हटाने के बाद आप कभी भी किसी को ये मैसेज आप भेजेंगे तो उस पर डबल टिक होगा, ठीक है, लेकिन कभी ब्लू टिक नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज भेजता हूँ हाय, ठीक है ना, तो देखिए डबल टिक हुआ। तो दूसरा बंदा जो है वो मैसेज पढ़ेगा तो भी ये ऐसे ही रहेगा, और अगर मान लीजिए कोई दूसरा बंदा मेरे को मैसेज भेजा और मेरे को पढ़ना है बट उसको शो नहीं करना है कि मैंने पढ़ा है तो भी ये ब्लू टिक नहीं होगा, ये डबल टिक ही रहेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ मैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई या फिर कोई इश्यू है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।